दी जाएगी, अपने अपने घर चले जाना, ठीक है, यही काम फाइनली करके बैठ जाना सारे के सारे, और फिर होल लाइफ पछताते रहना कि हम कुछ कर नहीं पाए। अभी एक सप्ताह का समय था आपके पास, पूरा वन वे एटमॉस्फेयर में आप गड़बड़ किए, ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत किया, मान लिया। एनर्जी अभी मैंने सिर्फ 1.5 पेज पढ़ाया है, इसको भी याद नहीं कर पाए। अभी तो मैं आपके सामने पूरा समिट्स उठाना शुरू करूंगी, कॉप 9, कॉप 21, कॉप 23, कॉप 24, कॉप 25, ठीक है, कॉप 7, कॉप 6, ठीक है, वो रखो, सबका निकालूंगी। अभी तो मैं आपको सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगी, 2030 तक का प्रोजेक्ट, तो कैसे याद करोगे? कहीं लिखा होगा 0.5% कम करना है, कहीं लिखा होगा 20% कम करना है, कहीं लिखेगा 15 तक कम करना है, कहीं लिखेगा 20 तक कम करना है, कैसे? क्लास में आने से पहले, मेरे क्लास में आने से पहले अपनी एनर्जी बनाकर आया कीजिए, और मुझे चाहिए ही चाहिए रिप्लाई, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसे आप सब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन हो, क्योंकि मास्टर सभी पासर्स में एमफिल पीएचडी एक से एक जॉब वाले लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन एज ए टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय का परफॉर्मेंस आपका मैं नहीं कह सकती कि सही है, समझ गए? अपनी आंखें तो बाद में सारे लोग जो है झुल्ला पहले शुरू हो जाएंगे, अभी स्टार्ट ही हो रहा है क्लास। चलिए किक किक करना शुरू करें इसमें। एनर्जी में न्यूक्लियर पावर पर आइए। नोट्स मैंने पीछे बार दे दिया था, और फिर से मैंने कॉपी कराने के बाद फिर से मैं इसको फोटो प्रिंट कराई, दो ही है बाकी सब शेयर करेंगे। अब हिंदी मीडियम भी गया सारा पीछे, सब कंप्लीटली दे दिया, ये मैंने पीछे क्लास में पूरा बांटा था, है ना, और मैं बोली थी कि नेक्स्ट क्लास में लेकर आना आप सब। न्यूक्लियर पावर ग्राउंड करो। इन इंडिया फादर ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा को राउंड करो, बोलेगा भारत में जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के फादर किसको माना जाता है, होमी जहांगीर भाभा। न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन को राउंड करो, 1948 कब बना न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन, 1948। न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट कब बना, 1954 में बना। क्लियर, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर हाउस कहाँ पर, तारापुर, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। सबसे पहला पेज का पहला वर्ड ही यही था हम लोगों का, एशिया का लार्जेस्ट, ठीक है। इन द न्यूक्लियर पावर कंट्री इंडिया पुट सिक्स पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालो, छठा नंबर है इसका। बोलेगा न्यूक्लियर एनर्जी में भारत का पूरे वर्ल्ड में कौन सा पोजीशन चल रहा है, सिक्स पोजीशन चल रहा है। द परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 3.0, इंपॉर्टेंट में डालो। सबसे ज्यादा हमें एनर्जी कौन दे रहा है, थर्मल और हाइड्रो और कौन, थर्मल, ठीक है, 83%, ठीक उस न्यूक्लियर के ऊपर देखना 83% मैंने पाया था पीछे बार में। द परसेंटेज ऑफ थर्मल पावर इन टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 83%, मतलब हाइड्रल पावर को राउंड करो। इट इज रिन्यूएबल ऑफ एनर्जी क्वालिफाइड चीप एस